तो आंटी यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, हम साथ साथ हैं, आपको मालूम है? ये यहाँ पे हुई थी वो वाली। अच्छा यहाँ पे ना आगे, ये वाला देख रहे हो ना? ये वाला रंग, हाँ हाँ, ये वाला है। और ये सब आप कर सकते हैं, वो सीन यहीं से लिया गया है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आप पूछते हैं। ताऊ जो फिल्म थी हम साथ साथ हैं, वो यहीं पे शूट हुई थी क्या? उसकी शूटिंग आपके तो सामने हुई होगी, आपके सामने हुई होगी फिल्म की शूटिंग। ये वाला वो मंदिर है जहाँ से इधर से बस निकल के जाती है, तो यहाँ पे रोड बना हुआ है। और दोस्तों फिर एक सीन यहाँ से लिया जाता है जिसमें उनकी जो बहन होती है वो यहाँ खड़ी रहती हैं इन सीढ़ियों पे, और पीछे का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ अभी राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है मंडोर गार्डन। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस जगह को बोलते हैं मंडोर गार्डन, और इस जगह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। इस जगह को रावण की ससुराल बताई जाती है। बताते हैं कि मंदोदरी की जो शादी हुई थी रावण से वो यहीं पे हुई थी। तो फिलहाल तो मैं इस जगह पे आया हूँ। 1999 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। दोस्तों इस फिल्म की मैं 2 शूटिंग लोकेशन दिखा चुका हूँ, ज़्यादातर ये फिल्म जोधपुर में ही शूट हुई है। तो 2 इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट की, तो वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी वो दिखाऊंगा, और आप लोगों ने देखा होगा जो सलमान खान वगैरह हैं उनका एक पैतृक घर दिखाया जाता है जो रामगढ़ गांव में दिखाया जाता है। तो वो गांव यहाँ से थोड़ी सी दूर है जिस गांव का नाम है लूनी गांव, तो उस गांव में भी जाऊंगा और वहाँ की शूटिंग लोकेशन दिखाऊँगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीन लिए गए हैं वो मैं आपको एक बार बता दूँ। आप लोगों ने देखा होगा जब वो लोग अपने गाँव आते हैं पैतृक गाँव जिसको रामगढ़ दिखाया गया है, तो एक गाना होता है जिस गाने के बोल हैं ABCDEFGHI ऐसे करके एक गाना है, तो उस गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई है। और उसके बाद वो अपने गांव में पहुँच जाते हैं जो रामगढ़ गांव दिखाया गया है, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा और वहाँ पे जो सीन लिए गए थे वो आपको दिखाऊँगा। और आने वाली वीडियो में एक गाना है इसी फिल्म का, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, आइकॉनिक गाना है, उसकी भी शूटिंग लोकेशन दिखाऊँगा। और इनका जो एक पैतृक घर दिखाया गया है वो भी आपको दिखाऊँगा, वहीं पर ये गाना शूट हुआ है। तो अभी तो हम यहाँ पे जो सीन लिए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों एक बारी यहाँ का सीन दिखा देता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट सीन आ रहा है यहाँ से। अभी सुबह सुबह का नज़ारा है, तो एक बार देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है ये। तो दोस्तों फिल्म का जो सीन लिया गया था वो आगे से वहाँ से कहीं से लिया गया था, तो अभी उधर चलता हूँ मैं और वहाँ पर चल के वो सीन आपको मैच कराता हूँ। दोस्तों मूवी का एक सीन यहाँ से फिल्माया गया था जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली छतरी दिख रही होगी और ये छोटा सा जो हाथी दिख रहा है ये भी आपको दिख रहा होगा। हालांकि उस टाइम पे ये पेड़ नहीं था, ये 1999 की बात है और अब 21 साल हो गई हैं, यानी इस पेड़ को भी 21 साल हो गई। लेकिन एक बार आपको मैच कराता हूँ सीन में, जो मंदिर आपको दिखाया गया है वो इधर है, इस पेड़ की वजह से वो मंदिर नहीं दिख पा रहा है। देखिए ये वाला वो मंदिर है, एक बार यहाँ से मैच कराता हूँ। ये वाला वो मंदिर है जहाँ से इधर से बस निकल के जाती है, तो यहाँ पे रोड बना हुआ है जिससे होकर बस निकल के जाती है। और एक चीज़ आप मैच कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि वो वाला जो वाइट कलर का शिलालेख दिख रहा है आपको पट्टी वाला, वो स्क्रीनशॉट में भी है और इसमें भी आपको दिख रहा होगा, तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया गया है। दोस्तों मूवी के कई सीन यहाँ से शूट किए गए हैं जिसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ ठेल लगी होती हैं जिस पे चूड़ियाँ वगैरह बिक रही होती हैं। पीछे की बैकग्राउंड आप मैच कर सकते हैं, हालांकि जो यहाँ पे ठेल लगाई गई थी तो वो फिल्म वालों ने खुद लगाई थी, वैसे तो यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। तो दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है, एक बारी मंदिर के अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है मंदिर में, नज़ारा बहुत ही अच्छा है, एक बारी चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो पत्थर पे डिज़ाइन बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और ये मंदिर का गेट है,
हालांकि मंदिर के अंदर तो ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई भगवान है। वैसे बताते ये हैं कि ये रावण की ससुराल है, तो रावण का तो मंदिर होना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा वाला मंदिर ये है, ये इधर भी चलें एक बार, लेकिन वो बंद है शायद, आगे से चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे से, दिखाते हैं तुमको। ये कुछ मंदिर से ऊपर का नज़ारा है, और एक बार इसके भी अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर शायद किसी की मूर्ति हो। जैसे कि हैं तो दोनों ये मंदिर ही। लोग कहते हैं यहाँ पे रावण की पूजा होती है, लेकिन कौन से मंदिर में होती है तो नहीं मालूम। मंदिर में इसमें भी कुछ नहीं है, आंटी हैं एक। आंटी ये मंदिर किसका है? समाधि है भैया। किसका? समाधि है। समाधि है किसकी? समाधि। और यहाँ पे बताते हैं रावण की ससुराल है। ये रावण का ससुराल है। तो रावण की पूजा वूजा होती है यहाँ पे? तो कौन सा मंदिर है रावण का जहाँ पे पूजा करते हैं लोग? वो मंदिर तो ऊपर है। ऊपर मतलब इस पहाड़ पे? अच्छा, इधर से रास्ता गया है? तो वहाँ पे रावण की मतलब मूर्ति उर्ति लगी हुई है? नहीं। फिर पूजा किसकी? पहले किला था, हाँ, वो उल्टा हो गया। अच्छा, पूजा नहीं है, देखने के लिए वो बस। अच्छा, जब बताते हैं रावण जब मरा था तो वो किला उल्टा हो गया था, यानी पलट गया था। पलट गया ऐसे जैसे इसी है, उल्टा हो गया वो। अच्छा, इसकी जो नीम है वो ऊपर आ गई और ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया था। अच्छा, उसको उल्टा किला बोलते हैं। अच्छा, तो आंटी यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, हम साथ साथ हैं, आपको मालूम है? आप तो यहीं से है ना? तो आप उस टाइम पे थी मतलब? नहीं, ये 20-21 साल हैं? मेरे सास थी। अच्छा, आपकी सास यहाँ पे काम करती थी? हाँ, 21 साल पहले की बात है, 21-22 साल हो गए इस फिल्म को। चलिए, यहाँ पे हुई थी वो वाली। अच्छा, यहाँ पे ना आगे ये वाला देख रहे हो ना? ये वाला रंग, हाँ हाँ, ये वाला और ये सब छतरियाँ थी। अच्छा, ये वाली छतरियाँ दिखाई गई थी और यहाँ पे बस आई थी ना? बस यहाँ पे आई थी, हाँ, जिस टाइम हमारे साथ काम कर। अच्छा, एक और गांव जो दिखाया गया, लूनी गांव, यहाँ पे कहाँ पे? लूनी, हाँ, लूनी गांव भी दिखाया गया उसमें फिल्म। हाँ, वो तो उधर है, इससे थोड़ा दूर है। कितना दूर होगा यहाँ से लगभग? इतना मेरे को पता नहीं है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मूवी का एक सीन यहाँ से फिल्माया गया है, जिसमें जो सलमान खान की जो बहन होती हैं वो इस वाली दीवार पे यहाँ पे खड़ी होती हैं। पीछे वाली छतरियाँ आपको दिख रही होंगी, और पीछे ये जो पानी दिख रहा है ना, ये भी उस टाइम दिख रहा था, हालांकि उस टाइम पे ये पेड़ नहीं था। तो एक चीज़ उसमें आप और देख लीजिए स्क्रीनशॉट में, कि आपको वो वाला पेड़ भी दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना गोल, ये वाला भी दिख रहा है, हालांकि वो इस पेड़ की वजह से नहीं आ पा रहा, वो सीन यहीं से शूट किया गया है। और दोस्तों, फिर एक सीन यहाँ से लिया जाता है, जिसमें उनकी जो बहन होती है वो यहाँ खड़ी रहती हैं इन सीढ़ियों पे, और पीछे का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, पीछे ये वाला मंदिर दिख रहा होगा, ये वाला भी दिख रहा होगा, और ये जो बनी हुई है इसको भी आप मैच कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखो कुर्सी पड़ी हुई थी उस टाइम पे, एक टेबल टाइप की, जो उसके पैर तो रह गए लेकिन वो उसको निकाल दिया है, वो सीन यहीं से फिल्माया गया। मूवी का एक सीन यहाँ से फिल्माया गया है, जिसमें जो सैफ अली खान होते हैं और सलमान खान होते हैं, उनकी बहन होती हैं और उनके एक भाई होते हैं, जिनका नाम है मोहनीश बहेल, और जिनको फिल्म में विवेक मतलब बताया गया है, विवेक के नाम से उनका नाम है उस फिल्म में। तो वो तीनों लोग इधर ही होते हैं और पीछे से बस आ रही होती है, वो उसके आगे डांस कर रहे होते हैं, वो सीन यहीं से फिल्माया गया है। तो दोस्तों, जैसे मैं इस मंदिर में गया तो वहाँ पे आंटी ने मुझे बताया कि एक किला है जो उल्टा हो गया है, वो सामने आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वही किला है जो उल्टा हो गया है, हालांकि उसके ऊपर बताया कुछ है नहीं देखने के लिए, बस इतना ही है, मतलब चारों तरफ से दीवार हैं और ऐसा ही है, उसी को बताते हैं कि वही है उल्टा किला।
तो दोस्तों फिल्म के जो सीन यहाँ पे फिल्माए गए हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और अब मैं जाऊँगा लूनी गांव जो बताया गया है, जिसको रामगढ़ दिखाया गया है फिल्म में। तो वो यहाँ से लगभग बताया गया 50 से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा और जो रामपुर गांव दिखाया गया है वो वाले सीन भी दिखाऊँगा, और उनका जो पैतृक घर यानी जो हवेली दिखाई गई है जिसमें जो गाना शूट हुआ है, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, वो वाला भी दिखाऊँगा। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा बॉर्डर फिल्म की शूटिंग लोकेशन। बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी का घर दिखाया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पे एक गाना भी शूट हुआ है, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, तो वो आने वाली वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने अगर हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबा दें, जिससे क्या है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सबसे पहले। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद यानी हम वहाँ से बैठे हैं, लगभग मैं 12 बजे पहुँच गया था जहाँ से हमें बस मिलती थी, और उसके बाद उसने हमसे बोला कि बस चलेगी आपकी 3 बजे। तो उसने जो बस चलाई है वो 4 बजे से उसने वहाँ से स्टार्ट की थी, और अभी टाइम कितना हो रहा है देखना ज़रा मोबाइल में, 5:30 या 5 हो रहे होंगे, 16:55, हाँ तो समझ लो 5 बजने वाले हैं, और 5 बजे हम यहाँ पे आ पाए हैं। फाइनली हम उस गांव में पहुँच गए हैं जो हम साथ साथ हैं फिल्म में, रामपुर जो गांव दिखाया गया है। पीछे मेरे ये जो गेट देख रहे हो ना, यही जो गेट दिखाया गया है फिल्म में जिसके पीछे लिखा हुआ था रामपुर। तो एक बार अभी मैं आपको पीछे से वो सीन मैच कराता हूँ जो फिल्म में लिए गए। दोस्तों मूवी के अंदर जो रामपुर गाँव दिखाया गया है तो यही वो गाँव है, और आप एक बार देख सकते हैं यही गेट वो दिखाया गया है, और यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था जिस पे लिखा था रामपुर। और पीछे वाला आप मैच कर सकते हैं, ये जो बिजली का जो पोल है ये अभी भी ऐसे ही यहाँ पे खड़ा हुआ है ये वाला, और पीछे गेट वाली डिज़ाइन को आप मैच कर सकते हैं, वो सीन यहीं से लिया गया है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आप पूछते हैं ताऊ जो फिल्म थी हम साथ साथ हैं वो यहीं पर शूट हुई थी क्या, उसकी शूटिंग आपके तो सामने हुई होगी, आपके सामने हुई होगी फिल्म की शूटिंग। अच्छा कहाँ कहाँ उसके सीन लिए गए थे आप नहीं बता पाए, आप बताइए कहाँ कहाँ सीन लिए गए थे भैया उसके, वो पूरा सीन लिए तो। अच्छा वो एक होटल है ऊपर खड़ा है, वो रेल ट्रेन आती है नहीं वो बोलेंगे, हाँ वो कहाँ पे है, वो आगे है, आगे है वो होटल है ऊपर लेना पड़े। अच्छा होटल के मतलब अंदर के सीन लिए गए थे, और जो रामपुर गाँव दिखाया गया वो यही गाँव है, यही गाँव है। गाँव का नाम क्या है इसका, क्या नाम है इसका, पूरा नाम है समा, हाँ वैसे लूनी भी बोलते हैं इसको, इसको लूनी बोलते हैं। अच्छा लूनी गांव भी बोलते हैं, और वैसे पुराना है समा, समा जंक्शन, समा जंक्शन समा ही है। तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं अभी गांव के अंदर, और एक सीन यहां से शूट किया गया है जिसमें ये जो मकान है इसका सीन लिया गया है, और पीछे से आती है बस निकल के इधर से, तो उसमें क्या होता है कि सैफ अली खान जो होते हैं बस के ऊपर होते हैं, तो ये वाला जो मकान है ना इसका कलर चेंज कर दिया है, हालांकि आप खिड़की मैच कर सकते हैं, ये जो खिड़की ऐसे ही हैं वो पिलर भी आपको सेम दिख रहे होंगे। और एक चीज़ और मैं दिखाऊं, वो सामने आपको दिख रही है ना ये वाली, ये शायद लैट्रिन है, और 21 साल बाद भी ये ऐसी बनी हुई है, ना इस पर कभी कलर किया गया है, और जैसा कलर इसमें दिख रहा है ना आप स्क्रीन शॉट में देखेंगे तो सेम वैसा ही कलर है, तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया है। दोस्तों गांव तो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है और बिल्कुल वीराने में, लेकिन जो इस गांव में घर बने हुए हैं ना वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, देखो होटल नुमा है। हालांकि जब हम इस गांव में आए थे ना तो रोड इतना ख़राब था कि धूल ही धूल उड़ रही थी, मैंने कहा यार ये जो 5-स्टार होटल यहाँ बनवाया समझ में नहीं आ रहा किस वजह से बनवाया, तो चलते हैं अभी होटल की तरफ, चल रहे हैं आगे होटल है, चलो फिर।